हम तो हर हालत में, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो या जासूसी टेलीफोन टैपिंग का मामला हो, हम इंक्वायरी के पक्ष में। ईसीएम में हर ऐसा गुण है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होना चाहिए। उनसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी कोई नहीं हो सकता है, यदि प्राइम मिनिस्टर होने की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? जिस तरीके से बीजेपी के, कह सकते हैं कि जो मंत्री बयान दे रहे हैं, कभी नीतीश कुमार पेगासस के मामले उठा रहे हैं, कभी जातीय जनगणना को लेकर के राजनीति हो रही है। मेरे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के, कह सकते हैं, जीताराम मांझी मेरे साथ हैं। इनसे जाने कि आखिर बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या कुछ चल रहा है। सर, जिस तरीके से पेगासस मामले को लेकर के अब आप भी जांच की सिफारिश किए हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, क्या चल रहा है सर बिहार में? देखिए, गठबंधन है और गठबंधन में अनेक पार्टियां होती हैं और सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है। ये संभव है कि एक बात पर सब कोई सहमत हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए भाजपा के लोग कुछ बोल रहे हैं मुद्दों पर और जदयू के लोग कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं। हम तो हर हालत में, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो या जासूसी टेलीफोन टैपिंग का मामला हो, हम इंक्वायरी के पक्ष में हैं। और किसी को भी चाहिए, कोई बात घटना घटती है, बाबा अम्बेडकर साहब ने भी ऐसा कहा था कि जब कहीं मतभेद हो तो उसकी जाँच करवा ली जाए। तो जो हमारे जो आइकॉन आदमी हैं, अत्र थे, वो कह के चले गए तो हम कैसे मुकरेंगे? तो हम, कोई नीतीश जी ऐसा कहे इसलिए हम साथ दे रहे हैं, सो बात नहीं है। हम सैद्धांतिक रूप में, अब अम्बेडकर के जो सिद्धांत है उसके रूप में कहना चाहते हैं कि घटना घटी है, विवादास्पद घटना घटी है, तो उसकी जाँच हो जानी चाहिए। तो इसीलिए मान लीजिए कि भाजपा के मंत्री लोग भी कुछ ऐसा कह रहे होंगे तो उनकी अपनी बात है। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। अभी लक्षित नहीं है कि कौन कौन क्या हैं, लेकिन तो भी कुछ जो हायर पावर के लोग होते हैं उनसे विचारोपरांत निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए एक आदमी भाजपा के कुछ बोल दिए, दूसरा जदयू के कुछ बोल दिए, इसके चलते एनडीए में कहीं कोई खटास है सो बात नहीं है। सर, जेडीयू के लोग अब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। जेडीयू के मंत्री भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में वो काबिलियत है। क्या आप भी नीतीश कुमार में वो देखते हैं कि वो पीएम के रूप में आगे हो सकते हैं? आप लोगों को स्मरण नहीं होता है, लेकिन हम आज से 4 महीना पहले बोल चुके हैं कि सीएम में हर ऐसा गुण है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होना चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में सीएम जो हमारे नीतीश कुमार हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो है ही हैं, अपने मामूली प्राइम मटेरियल नहीं है, वो बहुत सशक्त मटेरियल हो सकते हैं। कहने का मतलब कि उनसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी कोई नहीं हो सकता है, यदि प्राइम मिनिस्टर होने की बात हो तो। सर, जिस तरीके से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार और मंत्री सम्राट चौधरी, वो साफ साफ कहें कि पीएम की वैकेंसी नहीं है लेकिन सीएम के लिए वैकेंसी है, और वो कहें कि आगामी चुनाव में बीजेपी सक्षम है अकेले दम पे चुनाव और सरकार बनाने में। अपनी बात से अपनी बात को उन्होंने कंट्राडिक्शन किया। यदि प्राइम मिनिस्टर में अभी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई वैकेंसी नहीं है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं तो वहाँ वैकेंसी कैसे हो गई? कहने का मतलब कि आगे क्या होगा कौन जानता है। तो वैसी परिस्थिति में वो उनकी अपनी बात है, वो एनडीए का वैसा कोई सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं। जातीय जनगणना पे सर आप क्या कहेंगे? एकदम 100% हम सहमत हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए कि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो और उसी आधार पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन फार्मूला आधारित है। 16% शेड्यूल कास्ट हैं तो 16% उनका आरक्षण है। उसी प्रकार से आज लगभग गैर शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षण की बात किया गया, लगभग 15% उनका आरक्षण माना जाता है और 10% उनको दिया गया, तो निश्चित रूप में पॉपुलेशन को ध्यान में रखा गया होगा। उसी प्रकार से इधर अब मान लीजिए कि अगर 15% माना गया तो बाकी 85% किसका होगा? उसमें भी मान लिया कि 10 या 15% माइनॉरिटी का है तो भी 70% या 65% तो
होना ही होना है। तो इसीलिए जातीय जनगणना जब तक ना होगी कैसे कहा जाएगा कि कौन जाति को कितना मिलेगा या कौन जाति का क्या स्टेटस है। अभी तो घालमेल है, इसलिए हर हालत में जातीय जनगणना जरूरी है, जिसका हम समर्थन करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।